रोमांटिक एंड लव स्टोरी मूवी तो गाइस देखना तो हर किसी को पसंद है। गाइस आज बात करने वाले ऐसी एक रोमांटिक लव स्टोरी मूवी के बारे में जो है कृष्णा बिंदु। एक ऐसी साउथ मूवी है जो जहाँ पे रोमांटिक लव स्टोरी मूवी है जहाँ पे सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे एक्शन सीन्स भी हैं और यहाँ पे लव स्टोरी लव इमोशनल सीन्स एंड इमोशन सब कुछ है। तो गाइस मूवी में सब कुछ देखने को मिलेगा। तो थोड़ी सी डुबकी लगाएंगे कि मूवी की स्टोरी के ऊपर कि मूवी में क्या है। तो गाइस मूवी की स्टोरी को थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक देखना तो मूवी देखने का पता चल जाएगा। तो फर्स्ट मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे दिखाया जाता है कृष्णा को जो ऑफिस में न्यू ज्वाइन होती है। और ये ऑफिस में यहाँ पे उसको कुछ पता नहीं होता क्योंकि इस ऑफिस में आज वो न्यू ज्वाइन होती है। और तभी यहाँ पे वो देखता है यहाँ पे एक लड़की को ऊपर आंखें जाती है जो उसको काफ़ी पसंद आता है। ये होती है बृंदु। बृंदु उससे सीनियर होती है और यहाँ पे उसके उसके साथ वो एक ही मतलब बिजनेस में काम करती है और उसके सीनियर होने की वजह से वो उसके साथ ही रहती थी। और तभी यहाँ पे बृंदु नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि बृंदु का एक बॉयफ्रेंड भी होता है। तभी यहाँ पे बृंदु यहाँ पे कृष्णा से ड्रॉप मांगते हैं और यहाँ से उनके साथ वो ड्रॉप पे जाती है। और ड्रॉप लेने के बाद यहाँ पे कृष्णा को काफ़ी खुश होता है। फिर वो दोनों काफ़ी करीब आने लगते हैं धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आते हैं। और तभी यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे जो बृंदु की बॉयफ्रेंड है वो उसको भी चाहती है। और यहाँ पे फिर वो लोग एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ पे कृष्णा और बिंदु जो होती है काफ़ी साथ टाइम स्पेंड करते हैं, डिस्को पे जाते हैं और काफ़ी सारे इन्जॉय करते हैं। और फिर देखा जाता है धीरे धीरे वो करीब आ रहे थे तभी यहाँ पे उसके जो बॉयफ्रेंड होता है वो बीच पे आते हैं और एक दूसरे से उसके साथ वो लड़ना भी चाहता था। मतलब यहाँ पर वो भी बिंदु को पसंद करती थी। तभी यहाँ पर एक एक्शन सीन्स भी दिखाया जाता है मूवी में। उसके बाद यहाँ पे मूवी आगे बढ़ती है और स्टोरी पे दिखाया जाता है कि ये दोनों काफ़ी साथ एक साथ पूरी रात स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और टाइम स्पेंड के बाद लास्ट में कृष्णा बृंदु को प्रपोज कर देती है। और फाइनली यहाँ पे प्रपोज करने के बाद बृंदु जब ना कहती है तो कुछ भी नहीं कहता ही गाइस। फिर उसको पता वो काफ़ी कन्फ्यूज करती है, उसके साथ उसको समझाने की कोशिश करती है और हाँ बोलने के लिए। बट एट लास्ट वो जब फोर्स करती है तभी यहाँ पे बृंदु उसको बोल देती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए उसको भी उसने हाँ नहीं बोला था अभी तक। और वो कभी माँ नहीं सकती तो वो यहाँ पे कोई भी उसके साथ शादी करने के लिए भी तैयार नहीं था। तभी यहाँ पे कृष्णा डिप्रेशन में चला जाता है और तभी यहाँ पे कृष्णा एक आइडिया लगाता है। उसका जो फ्रेंड होता है एक डॉक्टर थी और तभी वो उसके फैमिली से वो कहता है कि उसके प्राइवेट वार्ड पे क्रिकेट का बॉल लगा था और इसकी वजह से वो कभी बाप नहीं बन सकता। और ऐसे करके कृष्णा बृंदु की फैमिली से अपनी फैमिली को मिलाता है और कैसे भी करके ये शादी अटेंड कर देता है। और यहाँ पे इन दोनों की शादी एकदम पक्की हो जाती है और इन दोनों से शादी हो जाती है। तो फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है और लव स्टोरी में सक्सेस मिल जाता है। पर यहाँ पर मूवी का सिर्फ आधा आया था, मतलब अभी सिर्फ शुरू हुआ था ट्विस्ट। मतलब मूवी के लव स्टोरी में लास्ट में यहाँ पे लव स्टोरी मिलती है पर यहाँ पे सिर्फ आधे में आया था। और उसके बाद क्या दो लवर मिल चुके थे तो यहाँ पे शादी हो चुकी थी। पर कहते जो देखना था आप मूवी में देखोगे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सीन्स हैं एंड एक रोमांटिक एंड लव स्टोरी मूवी है तो यहाँ पे ये तो सब देखने वाले हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मूवी आगे बढ़ती है, स्टोरी को दिखाया जाता है दोनों एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि वो एक साथ रहते थे और यहाँ पे उन दोनों की अभी शादी भी हो चुकी थी, कोई रोक टोक की कोई बात ही नहीं थी। तो यहाँ पे मूवी में काफ़ी अच्छे अच्छे सीन्स हैं और एक लव स्टोरी मूवी के साथ साथ यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मूवी में आगे दिख जाते हैं और इन दोनों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और गाइस दोनों लवर एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा तो आपको पता ही होगा। तो गाइस क्या देखने वाला हो यहाँ पे मूवी में देखोगे एंड उसके साथ एक साउथ मूवी है तो देख। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ती है और तभी दिखाया जाता है यहाँ पे बृंदु प्रेग्नेंट थी, वो डॉक्टर को टेस्ट करती है तो डॉक्टर कहती है कि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कभी ऐसे प्रॉब्लम जो होती है उसके बावजूद वो लोग प्रेग्नेंट हो जाती है। पर ये खुश हो बात होने की वजह से यहाँ पे कृष्णा अपनी माँ को बोलता है, पर यहाँ पे कृष्णा की माँ जो होती है वो इसको नेगेटिव साइड से देखती है क्योंकि उसको पता था कि उसका बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। पर यहाँ पर बृंदु प्रेग्नेंट थी तभी यहाँ पर उसको नेगेटिव हिसाब से देखती है और तभी यहाँ पर उसको शक होता है यहाँ पर बृंदु के ऊपर कि उसके कैरेक्टर ठीक नहीं है। और तभी यहाँ पे बृंदु और यहाँ पे जो कृष्णा होती है इनको रिलेशन के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ये दोनों ठीक से अब बात भी नहीं करते क्योंकि उसकी माँ जो कहती है कि वो ठीक से बात नहीं करती और उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है और इन दोनों की वजह से इन दोनों की रिलेशन ख़राब होने लगती है। ऐसे करते आगे आगे जाते हैं, ये दोनों साथ में नहीं रहने वाले थे और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और काफ़ी इनसे वो दुखी था। तभी यहाँ पर लास्ट में यहाँ पे जो कृष्णा होती है वो अपने माँ से कन्फ्यूज करती है कि प्रॉब्लम उसमें थी उसमें नहीं, मतलब यहाँ पे एक बृंदु में प्रॉब्लम थी पर यहाँ पे फिर भी उसने मतलब शादी कर लिया। और लास्ट में एक धमाकेदार फाइट के साथ यहाँ पे दिखाया जाता है उसके बॉयफ्रेंड को और यहाँ पे उसके दिखाया जाता है और लास्ट में अपने माँ को कहती है उसके साथ कन्फ्यूज करने के लिए जहाँ पर वो जाने वाले थे एयरपोर्ट। एंड यहाँ पे एयरपोर्ट में ही उसकी माँ उसको आके रोक लेती है और अपनी खुद की गलती को वो मान लेती है। और जब ये गलती को मान लेती है तो एक दिन उसके कन्फ्यूज करने के बाद यहाँ पे बृंदु भी उसको माफ़ कर देती है और एट लास्ट इस मूवी के एंड में ये दोनों फिर से मिल जाते हैं। और यहाँ पे गाइस इस बार मिलने लगे तो अलग होने की कोई बात ही नहीं थी। तो ये मैंने सिर्फ शॉर्ट में बताया स्टोरी को, तो आप यहाँ पे पूरी देखना तो पूरी इन्जॉय करना स्टोरी एंड मूवी काफ़ी अच्छी है।
तो अच्छी क्वालिटी में देखोगे तो कई काफ़ी मज़ा आएगा। तो ऐसी स्टोरीज़ के लिए एंड इसमें एक्सप्लेन के लिए ऐसे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपको कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी स्टोरी चाहिए।